ऑफिसर्स बदल जाए तो सब कुछ बदल जाए, हम भले ही वैसे ही रहें, लेकिन जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा, हमारे जीवन की यात्रा सुखद सफल नहीं होगी। आज आप आए हैं, बहुत समय से बैठे हैं, ठंड तो नहीं है ना? ठंड तो नहीं है, सूरज फूल उदय होता तो शायद थोड़ी गर्मी होती और इस समय ठंड होने लगती। सभी आज यहाँ बैठकर आत्म दर्शन करेंगे, अपना दर्शन, मेरे अंदर क्या क्या है। मैं हमेशा एक बात अपने लिए भी सोचता रहा और दूसरों को भी सिखाई है बहुत, कि हम बाह्य संसार को सुंदर बनाना चाहते हैं। हमारे देश में भी पिछले 30-40 सालों में बहुत प्रगति हुई। जब हम छोटे थे स्कूल भी नहीं होते थे गांव में, एक बड़ा टाउन हमारे मुजफ्फरनगर में था, जहां से हम थे एक वैद्य होता था, वो भी खाली बैठा रहता था। साधारण मकान होते थे, कच्चे ही होते थे गांव में तो सारे ही, किसने पक्का बना लिया तो वाह वाह होती थी, पैसे वाला है। साइकिलों का जमाना शुरू हुआ था, अब तो कारों को रखने की जगह नहीं है। बहुत प्रयास किया हमने, बाहरी संसार हमारा सज गया है, पर हमारा इनर वर्ल्ड, हमारा अंदर का संसार, उसका क्या हाल है आज ये देखना है। क्या हमें उसे भी सजाने की इच्छा है? क्या हमें पता है जब तक हमारा अंदर का संसार नहीं श्रृंगारित हुआ, ये बाहर का श्रृंगार हमारे लिए कष्टदायक हो जाएगा? हो रहा है ना, कार्य बढ़ गई बहुत। हमारे देश की समृद्धि का प्रतीक है कार्य बहुत हो गई। मैं जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया में गया 1992 में, मैंने देखा वहां की सड़कें, कारों की लंबी लंबी लाइनें, मेरा मन उदास हो गया था। सच बताऊं कि हमारा देश कितना गरीब है, कितना पीछे है। आज कारों को रखने की जगह नहीं है, लड़ाई हो रही है। एक जगह तो हमें और हमारे बहुत सारे भाई बहनों को एक सेंटर की ओपनिंग करने जाना था, हम कार में थे, वो पैदल जा रहे थे, वो हमसे पहले पहुंच गए। तो साधन बढ़े लेकिन समस्याएं भी बढ़ गई। क्यों ये समस्याएं बढ़ी? मनुष्य ने अपने अंदर का श्रृंगार नहीं किया, अपने अंदर के संसार पर उसकी दृष्टि नहीं गई। ये मन मंदिर, मंदिर स्वच्छ जगह होती है ना, देवताओं को हाथ भी नहीं लगाते हैं स्वच्छ लोग। हमारा ये मन मंदिर हमने कितना मैला कर लिया, ईर्ष्या द्वेष इसमें भर दिया, नफरत घृणा भाव भर दिए, तेरा मेरा भर दिया, परेशानियां और चिंताएं उसका तो भंडार बना दिया बहुतों ने अपने मन मंदिर को। तो मन सु मन नहीं रहा, सु अच्छा मन नहीं रहा, मन ऐसा हो गया जो मनुष्य को परेशान करने लगा, और अनेक लोग पीड़ित हो रहे हैं अपने ही विचारों से।